हेलो फ्रेंड्स, आज हम फेबर कास्टल कलर पेंसिल यूज़ करने जा रहे हैं। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैं इसको लाइट सेटिंग के लिए इसके सिल्वर कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम मून नाइट का ड्राइंग करने जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये भी मार्वल में काम कर चुके हैं। अभी तक मून नाइट के 2 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं। क्या आपने मून नाइट देखा है? क्या आप भी इसी तरह के मार्वल सुपर हीरोज में इंटरेस्टेड हो? वेल, सुपर हीरोज तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये कुछ चीवी टाइप का है। बेबी मून नाइट। उसी तरह आपको फेस को लाइटली शेड करना है, उसके कॉर्नर को डार्क करना है जैसे मैंने किया। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे फेबर कैसल का जो ब्लैक कलर है वो उतना डार्क नहीं लगा, इसलिए मैं डार्क एरिया के लिए डोम्स कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपको भी उसके नीड के हिसाब से कलर पेंसिल को लाइटली यूज़ करना है और स्मूथली यूज़ करना है। और यह है वही घिसा पिटा सुपर हीरो का पर्दा जो हर सुपर हीरो के पीछे लगा होता है, इसे डार्क करते हैं। वो क्या है ना कि इसके बिना उनका लुक नहीं आता। तो पहले आपको डार्क, उसके बाद लाइटली कलर पेंसिल को यूज़ करना है कुछ इस तरह से। वेल, हमारा ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो चुका है। ड्राइंग को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, इससे ये और ज़्यादा निखर के आएगा। वैसे इस नए कैरेक्टर के सुपर पावर्स और एबिलिटीज अभी तक मुझे अच्छे से नहीं पता, क्या आप जानते हैं? फ्रेंड्स, हमारा ड्राइंग तैयार हो चुका है। कैसा लगा आपको हमारा बेबी मून नाइट, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।